कि पूत सपूत जनो जसुदा। इतनी सुन के वसुदा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। कि नंद जो कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहू कीमति बोरी। देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। देखत मोह लुटा। सज्जनों, ये होता है भगवान का उत्सव। भगवान के यज्ञ में, भगवान के उत्सव में, भगवान की कथा में यदि हमारा धन लगता है तो समझ लेना कि ये पक्की हमारी एफडी हो रही साहब, एफडी। इस जन्म में जो मिला ना, वो कहीं पिछले जन्म की एफडी थी, सो इस जन्म में हम भजा रहे हैं। और हम एक बात बोलते हैं, आज सुनो। देखो, एक व्यक्ति के किसान थे, उनके चार बेटे थे। हमारी बात नहीं कर रहे हैं, सही में थे। तो उनके चार बेटे थे। अब चारों बेटों को पिताजी ने बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। 100 एकड़ जमीन थी, 25-25 एकड़ सबको बराबर बराबर बांट दी। भैया अब हम फुर्सत, अब आप जानो, आपका काम जाने, कमाओ खाओ बढ़िया रहो। अब देखो, अब उनमें से एक भाई ऐसा था जो खेत जाते ही नहीं था, काम करते ही नहीं था। जब भी उसको समय मिले, जब भी उसके पास धन की कमी आए, तो एकड़ दो एकड़ बेच दे। और कुछ भाई ऐसे थे जो बैलेंसिंग में रहे, हाँ भाई ठीक है, जितना हो गया ठीक है, कर लिया, हो गया, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, ठीक ठाक चल रहा है। अब देखो, उसमें एक भाई ऐसा है कि जो खूब मेहनत करे, दिन रात खेती में लगा रहे और बढ़िया फसल पैदा करे। सो अब जो भाई बेच रहा था उसकी जमीन भी यही ले ले, या आज पड़ोस के कोई भी बेचे उसकी जमीन ये खरीद ले, क्योंकि मेहनत कर रहा था। अब सज्जनों, उनमें से एक भाई ऐसा हो गया कि जिसके पास 25 एकड़ में से 25 फुट जमीन नहीं बची साहब, सब बेच ली। कुछ भाइयों ने और बेच ली, कुछ ने आने, एक के पास दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते गई। जो मेहनत कर रहे थे उनके पास बढ़ी, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी उनके पास घटी। कहने का तात्पर्य सज्जनों यह है कि जैसे कि, और समझाते हैं आपको, जैसे कि हम ये यू आकार की एक नली है समझ लो, और एक तरफ इसमें पाप बैठा है, एक तरफ पुण्य बैठा है। दोनों कहते हैं ना भैया, पाप और पुण्य एक ही उसकी दोनों पहिए हैं। तो एक तरफ से पुण्य है, एक तरफ से पाप है। तो यदि हमने पाप किया, हम कहते हैं ना कईयों से कि भैया वो तो दिन रात पाप कर रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। साहब वो नहीं बढ़ रहा, उसके पुण्य घट रहे हैं, पाप तो यथावत हैं और बढ़ रहे हैं वो। अब ये दोनों तरफ से तो भरी है, यहां से उसने पाप किया तो यहां से पुण्य निकला, पुण्य निकलेगा तो पुण्य कोई बुरा करके तो नहीं जाएगा, वो केस से भी बच जाएगा, वो पुलिस से भी बच जाएगा,
और उसको वो पाप जो है वो पुण्य के माध्यम से फायदा कर गया। अब धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाएंगे, फिर पाप के बदले क्या निकलेगा, पूरी नली यदि पाप से भरा गई। कहते ना भाई, तेरा पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब पाप की याद साफ पाप ही निकलेगा। फिर वो धीरे धीरे स्थिति उनकी खराब होने लगती है। अब करते हैं पुण्य आत्माओं की बात, हमने एक पुण्य किया तो पुण्य के बदले निकलेगा क्या, इधर से धक्का किसको लगा, पाप को। जब पुण्य किया और जितना बड़ा पुण्य होगा उतना ही बड़ा निकल के भागेगा, यदि है तो, और नहीं है तो फिर बहुत अच्छे रहेंगे। यदि हमने, कहते ने भैया, हवन करे हाथ जले, धर्म करे कर्म फूटे, हैं? हम तो मंदिर गए थे, पता चला किसी ने जूते चप्पल ले गए, हम तो, और बड़ा कोई पाप था और आपने बहुत अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो किसी ने साइकिल उठा कर ले गया, नहीं तो मोटरसाइकिल चली गई। तो ये हमारा जो पुण्य जब हम करते हैं, यदि कोई गड़बड़ दिमाग में कुछ होता है या कोई नुकसान हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो मन शांत हो जाए तो समझ लेना कि बड़ा बाला निकल चुका भैया, अब जो है शांति रखना है हमको। तो ये पुण्य निकल के, पाप निकल के भागा। लेकिन सज्जनों, ऐसा कभी नहीं करना कि हम पुण्य करना छोड़ दें, कभी नहीं करना। पुण्य करते रहो, करते रहो और समझते रहो ये कम हो रहे हैं, एक कम हुआ आज और कम हुआ, धीरे धीरे करके जब वो पूर्ण जो है हमारे पुण्यों का घड़ा भर चुका होगा तो जब हम पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल अच्छा ही आएगा, फिर दिन दूने रात चौगने भरोसा। अब रही बात ये चार भैयों की, अब जैसे कि अब वो एक भैया है जिसकी संपूर्ण जमीन चली गई ना, तो देखो हमारे जो हमारे पास जो धन होता है, हम जो कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा होता है, हमारा अकेले का नहीं होता, बहनों का, बेटियों का, पुत्र का, साधुओं का, संतों का, गौओं का, भगवान का, अतिथियों का, जहां तक कि हर एक जीव का हिस्सा उसमें होता है। अब इनका सबका हिस्सा यदि हम खाएंगे तो हम कहां जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि भैया अब जो हम धन सत्यनारायण की कथा में लगाएं या किसी मंदिर में लगाएं या किसी गौशाला में लगाएं या भागवत कथा में लगाएं और या फिर इतने सारे भक्तों की सेवा में लगाएं, तो ये धन जो है ये अमिट होता है। जैसे हम बैंक में जाकर एफडी कर देते हैं ना, और फिर यदि 10-25 साल उसको देखो ही मती तो उसका ब्याज कितना लगता है, ब्याज कुछ तो मिलता होगा। तो ऐसे ही साहब ये सब समझ लो कि हमारे अगले जन्म के लिए एफडी हो रही है साहब, और वो तो साहब उसका ब्याज परमात्मा जो देगा वो एक के बदले पता नहीं कितना देगा, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि